और इससे युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो लगभग 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की कार्रवाई भी की जा रही है। लगभग 17,000 पदों का एडवर्टाइज जो है वो कर दिया गया है। कोई अगर बेमानी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस साल अंत तक जो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का सृजन कर लिया जाएगा। डिजिटल हेल्थ सिस्टम को और बेहतर हम लोग जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। अब ये सरकार गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है, ये नीतीश जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। कोई अगर बेमानी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस दिशा में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अभी तरह तरह का अस्पताल पीएमसीएच का बन रहा, आधारभूत संरचना कार्य युद्ध स्तर पर जो है वो चालू है, और जितना मशीन है चाहे एक्सरे का हो, लैब जांच हो, जितना एमआरआई हो, हम लोगों का प्रयास है कि अस्पतालों में जो है हम लोग कराने का काम करें, लोगों को बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। तो इन सारे दिशाओं में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर जो विभाग में मानव संसाधन की पूर्ति के अंतर्गत कार्रवाई जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। इस साल अंत तक जो है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का सृजन कर लिया जाएगा, और इससे युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब वार्ड वाइज आशा कार्यकर्ता जितना है उनका चयन कर लिया किया जाएगा वार्ड वाइज। तो लगभग 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की कार्रवाई भी की जा रही है। आप बताइए 60,000 स्वास्थ्य विभाग में जितनी रिक्तियां हैं उसको भी भरने की हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा काम हो रहा। लगभग 17,000 पदों का एडवर्टाइज जो है वो कर दिया गया है, और पैथोलॉजिकल जांच को लेकर के घर घर पहुंचने का दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम को और बेहतर हम लोग जो है बढ़ावा देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग लाना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, और इस दिशा में भी जो है विमर्श हम लोगों के डिपार्टमेंट में हो रही है। तो हर एक चीज का जो है काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि अगर डॉक्टर अगर अस्पताल नहीं जाएगा तो इलाज कैसे होगा, अगर शिक्षक अगर स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा। कुछ लोग डॉक्टर जो है सालों साल तक अनुपस्थित रहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल। आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर अगर 1 हफ्ता के लिए अनुपस्थित हो जाए तो क्या बवाल मचेगा भाई। तो सबको जो है जिम्मेवारी जो है निभाने का काम करना है। इस दिशा में हम सब लोगों को काम करना है। शिक्षक नहीं रहेगा तो ये सारा चीज एक एक चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे काम को जो है पूरा किया जा रहा है। अब ये सरकार गरीबों की सरकार है, जनता की सरकार है। कुछ लोगों को कुछ कहने दीजिए, कोई प्रोपेगेंडा चलाने दीजिए, इतना काम हो रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है, अब उनके झांसे में अब लोग नहीं आएंगे। आप सब लोग को हम पुनः दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ सब लोग उपस्थित हुए।